हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वाले आईक्यू क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी की कट ऑफ के बारे में। एसएससी जीडी आपको पता होगा कि आपकी वैकेंसी कितनी हो चुकी है, 50,000 प्लस हो चुकी हैं। तो वैकेंसी बढ़ी है तो कट ऑफ थोड़ी सी कम जाने वाली है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी। इससे पहले आपने कट ऑफ के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, तो आपको बहुत सारे कट ऑफ बताए गए होंगे। इससे पहले इस चैनल पर आपको वीडियो मिला होगा जो कि भैया ने बनाया था, तो उन्होंने कट ऑफ जो बताई है वो थोड़ी सी उन्होंने कम बता दी, क्योंकि उन्होंने तो पेपर दिया नहीं, पेपर मैंने दिया है तो मुझे पता है कि कट ऑफ कितनी जाना है। उन्होंने अपने अकॉर्डिंग सोचा, जैसे उन्होंने 21 का पेपर दिया था, तो 21 का पेपर तो टफ था, आप लोग भी जानते होंगे, ये पेपर थोड़ा उससे ईजी था। तो उन्होंने जो कट ऑफ बताई वो थोड़ी सी उन्होंने कम बता दी, थोड़ी उससे ज़्यादा जाने वाली। मैं सोचा कि आप लोग भ्रमित ना हो, मतलब मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूँ कि इस चैनल पर आपको जो इससे पहले कट ऑफ का वीडियो मिला होगा वो थोड़ा सा उसमें कम बताया गया, लेकिन वो भी सही हो सकता है। लेकिन आज के इस वीडियो में बात करेंगे एग्जिट कट ऑफ के बारे में। अगर आप कितने नंबर बन रहे हैं तो आपको सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो ये आपके फाइनल कट ऑफ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं एसएससी जीडी, आपको पता होगा आपकी वैकेंसी कितनी हो गई है, 50,000 आपकी वैकेंसी प्लस हो चुकी है। तो थोड़ी सी कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि वैकेंसी आपकी बढ़ गई। पहले 24,000 वैकेंसी बताई गई थी स्टार्टिंग में, अब आपकी वैकेंसी हो गई 50,000। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूआर की। किसकी बात करते हैं? अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं, यानी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपके नंबर 115 बनना है, कितने बनना है? 115, ये फाइनल कट ऑफ है। अगर आपके 115 नंबर बनना है तो आप 100% श्योर हैं कि आपको एक ना एक पोस्ट आपको मिलने वाली है, आप लिख के रख लीजिए। अगर आप वही बात करते हैं फिजिकल कट ऑफ, तो आपको पता होगा फिजिकल से क्या मतलब, फाइनल तक हमें सिलेक्शन लेना है। तो अगर आपके यूआर से बिलोंग करते हैं, अगर आपके 115 नंबर के आसपास बनना है, 115 से अगर एक दो कम भी हैं तब भी आप फाइनल सिलेक्शन मानिए, और 115 से आपके प्लस हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है फाइनल सिलेक्शन लेने में। ये हो गया आपकी यूआर की। अब बात कर लेते हैं वही ओबीसी की। कितनी बात करते हैं? ओबीसी की बात कर लेते हैं। तो ओबीसी की आपकी वही ओबीसी और यूआर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिखता है। तो 114 यानी 114 प्लस अगर आपके नंबर बन रहे हैं ओबीसी से, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है फाइनल तक जाने में। फिर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थोड़ी सी ओबीसी से कम जाने लगी, आप लोग भी जानते होंगे। तो वही अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, आपके 112 नंबर के आसपास बन रहे हैं, 112 से प्लस बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल श्योर हैं कि आपका नाम आने वाला है फाइनल मेरिट। मैं ये कट ऑफ ये क्या कर सकता हूँ, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। ये कट ऑफ आपके ITBP और BSF और CRPF इन तीन में से किसी ने एक की कट ऑफ हो सकती है। ये फर्स्ट चॉइस आपकी नहीं हो सकती है कि आपने फर्स्ट चॉइस जो डालो आपको मिल जाएगी इतने नंबर पे। आपको पता होगा ये बड़े राज्यों की कट ऑफ है, जहाँ ज़्यादा कट ऑफ जाती है, जैसे ग्रुप वन राज्य आपको पता होंगे, यूपी, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, सॉरी बता दिया मैंने, बिहार हो गया आपका, और ये नई दिल्ली NCR हो गया आपका। तो ये सब जो ग्रुप वन में आते हैं उनकी कट ऑफ है ये। जो आपके इससे नीचे कट ऑफ आते हैं, आपको पता होगा असम, असम की कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। अगर वहाँ पे आपके 60 नंबर के आसपास भी बने तो आपको कलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो ये हो गया EWS कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं हम लोग SC की। अगर आप SC से बिलोंग करते हैं और 106 प्लस नंबर आपके आसपास बन रहे हैं, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। आप 106 नंबर के प्लस आप हैं तो आपको फाइनल सिलेक्शन ज़रूर मिल जाएगा। ST की बात करते हैं। अगर ST से आप बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर आपके 102 नंबर के आसपास बन रहे हैं, 102 से प्लस हैं, तो आपको कोई फाइनल सिलेक्शन से नहीं रोक सकता है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल जी जान लगा दीजिए फिजिकल में। अगर इससे एक दो नंबर भी कम है तब भी आपको जी जान लगा देना है। अब बात कर लेते हैं अगर आपके जितने मैंने कट ऑफ बताई इन सबसे 10 नंबर भी आपके कम हैं, तो आपका फिजिकल में नाम जरूर आ जाएगा। फाइनल तक मैं नहीं कह सकता हूँ कि फाइनल तक आपका रहेगा, तो फिजिकल में नाम आने से क्या फ़ायदा अगर फाइनल में आपका नाम नहीं आ रहा। तो जितने मैंने कट ऑफ बताई है इतने नंबर आपके हों तो बिल्कुल जी जान से फिजिकल में लगा दीजिए, क्योंकि अब इससे अगली वैकेंसी 2023 में आने की संभावना बहुत कम दिख रही है, क्योंकि आपकी वैकेंसी हर बार बढ़ती जा रही है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।